इंजीनियर्स तीसरों प्रसिद्धि। तो आज आपके लिए लाए बहुत ही बढ़िया एक टच स्क्रीन कीबोर्ड। तो पिछला जो वीडियो है उस पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने एक बनाया है टच स्क्रीन डिस्प्ले को बनाया है। तो आज वही सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे, यूज करके एक टच स्क्रीन कीबोर्ड बनाएंगे जो हम लोग आसानी से कंप्यूटर पे एबीसी अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो अभी आप लोगों को डेमो दिखाते हैं। तो अभी देखिए मैं ए पे दबाऊंगा तो ये ए आएगा, तो देखा आपने ए आ गया है। तो अभी दूसरे अल्फाबेट में डालेंगे तो ये आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूं मिडिल पे, तो देखा आपने जी आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा की कहाँ पे है, कीबोर्ड की तरह ही है लेकिन इसके पीछे हम लोगों को एक जो कि पेपर लगाना होगा एबीसी लिख के, ताकि हम लोगों को दिखाई दे। तो अभी देखिए स्पेस दूंगा मैं, स्पेस का की जो कि सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे आसानी हो जाएगा। तो देखा आपने स्पेस आ गया है। इस तरह हम लोग आसानी से इस पर कोई भी की हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं दूसरा की दबाऊंगा तो देखा आपने इस पे एल आ गया है। इस तरह हम लोग आसानी से अल्फाबेट इस पे लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं ये जो सर्किट है वो हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो सीखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी जो आपने देखा है इस प्रोजेक्ट को अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरह का एक कीबोर्ड लेना होगा, पुराना मॉडल का एक कीबोर्ड हम लोगों को लेना होगा। तो वही कीबोर्ड का जो यूएसबी पिन होते हैं या फिर PS2 होते हैं, दोनों का पिन का जो कनेक्शन है वो चार पिन होते हैं। एक होते हैं जो कि VCC, दूसरा होता है ग्राउंड, तीसरा होता है जो कि डाटा होते हैं, और चौथा जो है वो क्लॉक का होते हैं। तो वो यूएसबी हम लोग लगाएंगे कंप्यूटर पे और इस कीबोर्ड का जो सर्किट है सर्किट को हम लोग खोलेंगे, खोल के उसी सर्किट से हम लोग यूज करेंगे। तो कीबोर्ड पे जब भी हम लोग दबाते हैं कोई भी की दबाते हैं तो डिस्प्ले पे हम लोगों को वो अल्फाबेट दिखाई देता है। तो वही कीबोर्ड के सर्किट को यूज करके हम लोग आसानी से एक टच स्क्रीन कीबोर्ड बना सकते हैं अपने घर पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कीबोर्ड को खोलते हैं, खोल के इसका जो सर्किट है उसको हम लोग यूज करके एक टच स्क्रीन कीबोर्ड बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार हमने पिन जो बताया था वही है, वोल्टेज, ग्राउंड जो कि है क्लॉक और डाटा। तो ये चार पिन के माध्यम से ये ऑपरेटिंग होते हैं। और कीबोर्ड के जो यहाँ पे पिन देख रहे हैं सभी पिन को यूज करके कीबोर्ड ऑपरेटिंग होते हैं। मतलब इसके साथ इसका अगर कनेक्शन करेंगे तो एक अल्फाबेट आएगा, इसके साथ ये करेंगे तो दूसरा आएगा, इसके साथ तीसरा करेंगे, तो इस तरह सभी पे अलग अलग पिन के से वो शॉर्ट करने से अलग अलग अल्फाबेट आते हैं। तो ये कंट्रोल होता है इस प्रोसेसर के माध्यम से। तो ये जो प्रोसेसर है इसको हम लोग ऑनबोर्ड चिप बोलते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं इसका कनेक्शन करके, देखिएगा ये अल्फाबेट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देने से अलग अलग अल्फाबेट आ रहा है। तो इस तरह ये काम करते हैं। तो इसका कनेक्शन हम लोग जो कि कीबोर्ड पे लगाएंगे, लगाने के बाद हम लोग इसका आसानी से ऑपरेटिंग कर सकते हैं टच स्क्रीन वाला कीबोर्ड। तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने इस सेटअप को सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो सर्किट लगाया है, यहाँ पे नाम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों का एलईडी इसमें आ रहा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट में चेक करेंगे ये नाम लॉक, कैप्स लॉक और ये जो स्क्रॉल लॉक है, ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग कैप्स लॉक को देते हैं, देखिए कैप्स लॉक ऑन हो गया है। इससे देते तो कैप्स लॉक ऑफ हो गया है। तो अभी मैं इसको अभी नाम लॉक को ऑन करूंगा, तो देखिए नाम लॉक ऑन हो गया है। तो अभी हम लोग इसका जो जो स्क्रॉल लॉक है उसको हम लोग ऑन करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे होगा FN। अभी देखिए ऑन हो गया है, कहाँ पे होगा, हाँ अभी देखिए ऑफ हो गया है। तो इस तरह हम लोग इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, अल्फाबेट लिख के हम लोग टेस्ट करेंगे ये अल्फाबेट इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग टाइप करेंगे मॉनिटर पे, आएगा यहाँ पे, जो टाइप करेंगे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग विंडोज को ऑन करते हैं, विंडोज की हम लोग दबाएंगे, तो देखिए विंडोज की आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग विंडोज की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो कि नोटपैड हम लोग खोलेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक वर्ड डॉक्यूमेंट हमने खोल दिया है, अभी इस पर टाइप करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे ये टाइपिंग आएगा। देखा आपने, इस तरह हम लोग इसको टाइप करके आसानी से इस पे बना सकते हैं। तो एक कीबोर्ड हम लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी टच स्क्रीन वाला। तो इसके नीचे अगर हम लोग कोई पेपर दे देंगे अल्फाबेट का, तो हम लोगों को आसानी हो जाएगा। आसानी से हम लोग ए बी सी स्पेस कहाँ पे, ए बी सी कहाँ पे, सब कुछ हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये रहा एक टच स्क्रीन कीबोर्ड। तो देखिए मैं फिर से इस पे दबा रहा हूं। तरह हम लोग आसानी से एक कीबोर्ड बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से एक टच स्क्रीन वाला कीबोर्ड हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।